ओम प्रकाश जीत गया। कठिन सत्य आछे जन्म जे नेबे जन्मिले मरिते हबे अमर के कथा रे धर्मपाल गुप्ता आमार 50 बछरेर साथी बेशी हुत 50 इयर्स 50 साल से उनसे मेरा संपर्क। जब मैं मेरा उम्र 18-19 साल था तो अर्जुन सिंह जी के पिताजी यहाँ के होते थे, तो उनके यहाँ आए और एक बार धर्मपाल से मिले नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं आप सबको मेरा नमस्कार, आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें और सबको मेरा शुभकामनाएं। मैं उनकी धर्मपत्नी आज जिसकी मूर्ति बैठी है उनको मैं नमन करता हूं और साथ में मैं बधाई देता हूं अमित गुप्ता कि कम समय पे लोगों के नेता, जनता के नेता, भाटपाड़ा के मजदूर, कांग्रेस, तृणमूल के नेता धर्मपाल जी का मूर्ति यहाँ आज बैठा कर उसकी उद्घाटन हुई है और आप सबके दिल में धर्मपाल गुप्ता आज नहीं है लेकिन लोगों को पहचान कहाँ होता है उनके काम, उनके आदर्श, उनके व्यवहार ये सब दिख जाता है। मैं सन 19 लोकसभा के इलेक्शन के बाद मैं 50 बार, कम से कम 50 बार आए हैं, तो उसमें 30 बार यहाँ बैठे। वो कहते थे कि धर्मपाल गुप्ता अपने दोस्त में, बोले भैया दोस्त के यहाँ बैठते हैं, लीडर तो हम लोग नहीं है, दोस्त के यहाँ बैठते हैं। और मेरे पास भी काफ़ी इस काफ़ी सालों से हमारे पास गए, हम उनके पास आए और दिल में मेरा जब तक ये बात ठीक ही बोला है पार्थो भौमिक हमारे प्रेसिडेंट, हमारे विधानसभा के सचिव, हमारे पार्टी के, कि जब तक चांद और सूरज रहता है जब तक जिंदगी है धर्मपाल गुप्ता अपने दिल में, अपने मन में, अपने प्यार में वो रहेगा बराबर के लिए। अब मेरा इस मैं तो पहले ही रेवा दीदी को नमस्कार, आप चेयरपर्सन हैं, मैं सुबोध जी मेरा साथी अभी तो कम से कम 10 घंटा मेरा साथ सुबोध अधिकारी जी असेंबली में थे, चोमना सैन ये भी 10 घंटा लगभग हमारे साथ थे, पार्थ बाबू को थे, लेकिन आज की ये सभा में देवो ज्योति जो कि हमारे वाइस चेयरमैन हैं और प्रेसिडेंट भी हैं, मेरा गोपाल राव बहुत प्यारा है, लेकिन आज की इस मंडली में, इस मूर्ति उद्घाटन में भारत के संसद जो हमारे पार्टी, हमारे नेत्री ममता जी और हमारे संगठक अभिषेक बनर्जी की तहदील से उनके साथ आए हैं, मेरा तृणमूल कांग्रेस के आए हैं, मैं तो अर्जुन जी को मेरा छोटा भाई है, मैं उसको बहुत बहुत तहदील से उनको शुभकामना देते हैं। देखिए राजनीति में झगड़ा और फसाद तो रहेगा लेकिन परमानेंट एनिमी जिसको बोला जाता है बराबर के लिए दुश्मन नहीं होता है। आज जो आपके विरोध में है कल आपके पक्ष में आ सकता है। ममता जी एक ही शब्द ने कहा कि निर्मलता बैरकपुर से मैं तंग हो गया हूं, आप सब एक जगह आइए, मेरे को जो कहेंगे वो मैं करेंगे और मैं तो इतना ही कहेंगे भाटपाड़ा नहीं, बारेपुर नहीं, इस राज्य के आज जो
नया दिशा अर्जुन जी ने दिया है, मैं उसको स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक बराबर एक शांति का मिसाल, भ्रातृत्व का मिसाल, एकता के मिसाल, प्रगति के मिसाल शुरू हो रहा है और भाटपाड़ा सबसे ज्यादा इसमें लाभवान होगी। सती तो सबसे बेसी भाटपाड़ा की होती है, लेकिन आज जो समय अच्छा आ रहा है तो मैं सोचता हूँ कि सभी लोग जो तो हमारे हिमांशु देखिए, हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं, सीआईसी भी हैं, प्रियंकु पांडे हैं, हमारे यहाँ पर सभी अलग से नाम नहीं बोल रहे, सभी हमारे काउंसिलर, सबको मैं शुभकामना देते हैं बहन लोग सबके। और मैं ज़्यादा बात को बढ़ाना नहीं चाहता, सिर्फ इतना ही बढ़ाएंगे कि आप जो यहाँ पर आए हैं, आप जो तहे दिल से यहाँ पर आके जो धर्मपाल गुप्ता की मूर्ति बैठने पे आपने सुख प्रकट कर रहे हैं, ये सुख हम चाहते हैं, ये चैन हम चाहते हैं, ये इकाई हम चाहते हैं कि बराबर लिए बरकरार रहे, सब समय के लिए ये रहे। और मैं प्रशासन से कहूँगा कि वो भी अपना काफ़ी मदद इस काम पे हमारे अमित गुप्ता को की है, उनको भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और आप सबसे कहेंगे कि अच्छे काम पे हमारे साथ जो भी है, सभी लोगों को तहे दिल से हम और आप मिलके उनकी शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि नहीं, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं करूँ। हमार शेष कथा कि आपके धर्मपाल गुप्ता जो मूर्ति तार पिछले अपने सवार जो समर्थन योगदान आनंद इटा जन बराबर चले आगे आए दिन हम एक साथ सब मिलकर ममता जी के साथ अभिषेक जी के साथ एक साथ चल सके और जनता को, जिस जनता के लिए हम आए हैं उस जनता को मैं सेवा कर सके। सेवा ही हमारी परम धर्म है और ये सेवा ही धर्मपाल गुप्ता को हमारे दिल में तन मन में आए दिन सब दिन रखेगा। इस शब्दों के साथ आप सबको एक बार बहुत बहुत नमस्कार और सबको मैं शुभकामना देती हूँ। मेरा छोटा सा बात मैं यही विराम देता हूँ। नमस्कार।